नमस्कार दोस्तों, आज खेत में पानी वाली डिग्गी साफ कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल काम है, पर चलो चल रहा है। 3 4 दिन हो गए चलते हुए इस काम को, पर अभी साफ़ नहीं हुई क्योंकि सर्दी का मौसम है और मिट्टी भारी बहुत है, तो निकालनी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से दो पल्लियाँ बना रखी हैं, तो जितने में एक पल्ली ये यहाँ पे, यहाँ से दो आदमी भरते हैं और दूसरी साइड से वहाँ पे ट्रैक्टर दूसरी खाली करके आता है। ये देखो, एक बार यहाँ से देखते हैं, फिर दूसरी साइड भी जाएंगे। तो जहाँ पे पल्ली जिस पटटी पर लेके जाते हैं, जिस पे घसीटते हैं, वो गिल्ली ज़रूर होनी चाहिए। उस पे थोड़ी थोड़ी देर में पानी ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो पल्ली फट जाएगी और ट्रैक्टर को भी ज़ोर ज़्यादा आएगा। आज 5वां दिन है और 5 दिनों में इतनी साफ हुई है। अब दूसरी साइड जाके देखते हैं क्या प्रोसीजर है उस साइड, क्योंकि आदमियों से निकालनी मिट्टी तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि गिल्ली मिट्टी है, हैवी है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो जो खाली की है पल्ली, वो लेके आ रहा है वहाँ पे आदमी, और अब ये दूसरा बंदा पल्ली यहाँ से वहाँ पे वापस लेके जाएगा। वो रस्सी खींच रहा है ट्रैक्टर वाली, सर्दियों में बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि एक तो ठंड है और जो बंदे कर रहे हैं वो ठंड में मुश्किल हो जाता है। और ये जो मिट्टी है ये एक बार यहाँ पे इकट्ठी करके उसके बाद में किराए से सारे बाग में गिरा देंगे। जब सरसों निकाल ली उसके बाद में तब तक यहाँ पे पड़ी रहेगी। और वो पल्ली ले गया और वो दूसरी पल्ली में मिट्टी तैयार है, वो दो बंदे। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे ये जितना पानी डालेंगे उतनी पल्ली खींचनी सौखी होगी, ये तो ट्रैक्टर भी बहुत औखा गारा सा है, बार उसमें औखा चलता है। वो पानी ज़रूर गेरते रहें इस पे। गर्मियों में ये काम हो नहीं सकता क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और ये रस्सी खींच के लाया दूसरा इंसान है, गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए ये डिग्गी मतलब जगह जगह से क्रैक्स आने का और फट जाने का डर रहता है। तो अब वो वहाँ से उक डालेगा उस पल्ली में। और यहाँ से ये ट्रैक्टर खींच के लेके जाएगा। तो ये जगह गिल्ली होनी ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो पल्ली फट जाएगी और ट्रैक्टर को भी जोर ज़्यादा आएगा। ये बंदा पानी डाल रहा है, दो जने इसको खाली करेंगे पल्ली को, और ये ऐसे मिट्टी बाहर आ गई।
फाट गई बल्ली विष्णु, के काम करा है? पल्ली खाली करनी भी बहुत औखी है। हौला हौला मार सानू कि मोर ही निकल जाए। ऊपर से पानी आ गया, वो आगे आगे इसके डालेंगे। ये सोलर सिस्टम्स लगे हुए हैं 5-5 किलोवाट के, दो हैं, एक अभी लगा है, एक इससे पहले। और ये किन्नू का बाग है, लगभग 6 साल का। किन्नू का रेट बहुत अच्छा है पर फ्रूट नहीं है इस बार। किसान घबराए ना, फरवरी में बहुत ज़्यादा रेट आएंगे, फ्रूट कम है तो भी उतने ही पैसे, उससे ज़्यादा ही, पिछले साल से ज़्यादा ही मिल जाएंगे। तो ये पल्ली आ गई। और वो एक जना रस्सी खींचेगा, फिर ट्रैक्टर बैक आएगा। ये मेसी 52-45 है, शोशो उतार रखी है इसकी बाग के लिए। और आज तो दिन भी फिर भी ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है।